गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार प्रणाम। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक राइनाइटिस के बारे में बात करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इसको भी देखना जरूरी है। बच्चों, आपने देखा होगा कि नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके अंदर इंफ्लामेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं राइनाइटिस। नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इंफ्लामेशन हो जाना राइनाइटिस कहलाता है। वैसे आप जानते हैं कि जिस वर्ड के साथ में आईपीएस लग जाता है, उसका मतलब हो जाता है इंफेक्शन हो जाता है। और यहां पे इंफेक्शन किसका हुआ है, इंफ्लामेशन किसका हुआ है, इंफेक्शन किसका हुआ है, नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन का। तो राइनाइटिस इज ए इंफ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज। नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन का इंफ्लामेशन हो जाना, नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर सूजन स्वेलिंग आ जाना, क्या कहलाता है, राइनाइटिस कहलाता है। तो आज इस राइनाइटिस के बारे में बच्चों पूरा डिटेल से बात करेंगे, क्या होता है राइनाइटिस, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है राइनाइटिस, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे, साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, और उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, अब राइनाइटिस वर्ड आते ही आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि जो नाक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या आ गया है, इंफ्लामेशन आ गया है, सूजन आ गया है, स्वेलिंग आ गया है। अब नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके अंदर सूजन स्वेलिंग आएगा तो दिक्कत होगा, एक फ्लू लाइक सिम्टम देखने को मिलेगा। देखिएगा, नासिका की संरचना कला का इंफ्लामेशन राइनाइटिस कहलाता है। यह मेनली वायरल संक्रमण होता है, हालांकि कुछ मामलों में बैक्टीरियल तथा एलर्जन का भी इसका कारण हो सकता है। मोस्टली जो वायरल इंफेक्शन होते हैं उसकी वजह से होने की संभावना ज्यादा रहती है, परंतु अफेक्टेड बाय द बैक्टीरिया एंड एलर्जन कंडीशन, एलर्जी की वजह से भी राइनाइटिस होने की संभावना होती है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में। टाइप्स 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे सबसे पहले है एक्यूट राइनाइटिस। अब बच्चों, आपको मैंने बताया था कि जिस वर्ड के मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ड के अंदर एक्यूट हो, तो इसका मतलब हाथों हाथ होने वाला, क्रोनिक मतलब धीरे धीरे लंबे समय से। तो इस प्रकार से एक्यूट राइनाइटिस, इसे कोरिंजा या कॉमन कोल्ड भी कहते हैं। कॉमन कोल्ड, जैसे आपने देखा होगा चेंज द वेदर, वातावरण चेंज होता है, मौसम चेंज हुआ है, और जिसकी वजह से सर्दी खांसी जुकाम देखने को मिलते हैं, कॉमन कोल्ड। तो ये हो गया एक्यूट, हाथों हाथ वायरल इंफेक्शन हुआ है, रात दिन में ठीक थे, रात में पंखा चलाया जिसकी वजह से ठंडी लगी और रनिंग नोज होने लग गया, खांसी सर्दी सीके आना, नाक बहना, ये कंडीशन हो गई। तो इस प्रकार से कोरिजा या कॉमन कोल्ड इसको भी कहते हैं, हाथों हाथ होती है। दूसरा है एलर्जिक राइनाइटिस। ये राइनाइटिस नासिका की म्यूकस मेम्ब्रेन की किसी भी एलर्जन विशेष, जैसे परागण है, मौसम में परिवर्तन, धूल आदि के प्रति संवेदनशील के कारण उत्पन्न होते हैं। एलर्जी कंडीशन, जैसे आपने देखा होगा कई लोगों को धूल से एलर्जी है, कई लोगों को परागण उनसे एलर्जी है, कई लोगों का मौसम चेंज होता है तो फ्लू लाइक सिम्टम देखने को मिलते हैं, सर्दी खांसी जुकाम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से उन लोगों को, कुछ ऐसे लोग उनको एलर्जी कंडीशन होती है, एलर्जन के द्वारा होने वाला जो राइनाइटिस है, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर सूजन स्वेलिंग आ जाती है, एलर्जिक राइनाइटिस कहलाता है। दूसरा क्रोनिक राइनाइटिस,
नासिका की म्यूकस मेम्ब्रेन का दीर्घकालीन इंफ्लामेशन क्रोनिक राइनाइटिस कहलाता है। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन की हाइपरट्रोफी हो जाती है। देखो देखिएगा यहां पे एक वर्ड आया है हाइपरट्रोफी, एक होता है एट्रोफी। तो हाइपरट्रोफी इसके अंदर क्या होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। म्यूकस मेम्ब्रेन की हाइपरट्रोफी हो जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका हाइपरट्रोफी हो जाता है, ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर सूजन स्वेलिंग आने की वजह से। तो इसके अंदर क्या है, क्रोनिक राइनाइटिस जिसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन एक लंबे समय से उसका इंफ्लेमेशन हो रहा है, जिसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी क्या हो जाती है, हाइपरट्रोफी हो जाती है, इनलार्जमेंट हो जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उसके बाद में पुरुलेंट राइनाइटिस, जिस वर्ड के अंदर पुरुलेंट है मतलब पस का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है ना। पुरुलेंट राइनाइटिस ये दीर्घकालीन राइनाइटिस होता है जिसमें नासिका में बदबूदार सीक्रेशन आने लग जाते हैं। राइनाइटिस मतलब नाक का बहना। इस कंडीशन के अंदर जब नाक बहता है, पानी का सीक्रेशन होता है, उसके अंदर बदबू जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, पुरुलेंट राइनाइटिस कहलाता है। दूसरा है वासोमोटो राइनाइटिस, रक्त वाहिनियों की परमेबिलिटी और टोन में क्षणिक परिवर्तन के कारण नासिका की म्यूकस मेम्ब्रेन में होने वाला इंफ्लामेशन वासोमोटर राइनाइटिस कहलाता है। इसका कोई स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है, हालांकि इस दौरान पाए जाने वाले लक्षण भी वही होते हैं जो एक्यूट और एलर्जिक राइनाइटिस के दौरान पाए जाते हैं। इसके अंदर रक्त वाहिनियों की परमेबिलिटी और टोन में हल्का सा परिवर्तन होता है। अब देखिएगा ब्लड वेसल्स है और उस ब्लड वेसल्स के अंदर उसकी परमेबिलिटी, परमेबिलिटी का मतलब है कि मान लीजिए कि यह ब्लड वेसल्स है, अब इसकी परमेबिलिटी यहां पे जो होता है ब्लड इधर ही जाता है, बाहर नहीं जाता है, परंतु इसके अंदर क्या है परमेबिलिटी बढ़ जाती है, या हल्का सा जो उसकी टोन है इलास्टिसिटी है वो चेंज हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है राइनाइटिस हो जाता है, जिसको बोलते हैं वासो मोटर राइनाइटिस। वासो इज रिलेटेड टू वेसल्स, है ना, वासो इज रिलेटेड टू वेसल्स, और मोटर मीन्स मूवमेंट करवाना। तो इस प्रकार से ए चेंज ऑफ द परमेबिलिटी एंड टोन ऑफ द ब्लड वेसल्स, उस कंडीशन में क्या होता है राइनाइटिस होने की संभावना भी हो जाती है, जो नोज है वहां पे ये चेंज होने की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद में सिक्स नंबर पे चार क्या बताया मैंने, ये तो बहुत ज्यादा भी हो रहा है ना। एट्रोफिक राइनाइटिस, एट्रोफिक राइनाइटिस ये भी एक क्रॉनिक राइनाइटिस होता है जिसमें नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन की एट्रोफी होती है और ड्राई क्रस्टस बन जाते हैं। मतलब जो देखो एक वर्ड है हाइपरट्रोफी और एक है एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब होता है डिक्रीज साइज, इस साइज का डिक्रीज होना, और हाइपर एट्रोफी का साइज का इंक्रीज होना, ये दोनों ही वर्ड है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एट्रोपिक राइनाइटिस वह कंडीशन जिसके अंदर ये एक क्रोनिक राइनाइटिस के केस में देखने को मिलता है, इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी एट्रोफी हो जाती है, उसकी संख्या कम हो जाती है, साइज कम हो जाती है, और उस नाक के अंदर ड्राई क्रस्टस बन जाते हैं, क्योंकि एट्रोफी हुआ है। म्यूकस मेम्ब्रेन की एट्रोफी होना मतलब म्यूकस सीक्रेशन है वो कम हो जाना, इस कंडीशन में जिसको बोलते हैं एट्रोपिक राइनाइटिस। दूसरा है राइनाइटिस मेडिकोमेटोस, है ना, ये इसमें मेडिकोमेटस, इसमें क्या हो रहा है, इसमें नेजल डिकंजेस्टेंट के ओवर यूज के कारण नासिका की म्यूकस मेम्ब्रेन में इंफ्लामेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो राइनाइटिस मेडिको मेडिकेमेंटोस मेडिकोमेंटोस मेडिकोमेंटोसा, इसका मतलब यह हुआ ए ओवर प्रोडक्शन या ओवर यूज ऑफ द नेजल डिकंजेस्टेंट साल्ट है ना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है,
तो ये जो नेजल स्प्रे है वो ज्यादा यूज करने की वजह से भी इंफ्लामेशन हो सकता है। तो इस प्रकार से मेडिकोमेन ट्रसा जिसके अंदर ओवर प्रोटेक्शन यूज हो रहा है, नेजल डीकंजेस्टेंट्स, नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, नेजल स्प्रे, तो ये जो ज्यादा यूज करते हैं उस कंडीशन में भी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर क्या आ सकता है, सूजन स्वेलिंग आ सकता है। तो टाइप्स के अंदर बात करें तो सबसे पहले जो टाइप्स है एक्यूट राइनाइटिस, जैसे कि कॉमन कोल्ड है उसमें देखने को मिलता है। एलर्जिक राइनाइटिस जिसके अंदर चेंज द वेदर एनवायरमेंट, धूल मिट्टी डस्ट ठंडा गर्म उसकी वजह से देखने को मिलता है। क्रोनिक राइनाइटिस जिसके अंदर लंबे समय तक उनके म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर इंफ्लामेशन देखने को मिलता है। पुरुलेंट राइनाइटिस जिसके अंदर पस कंडीशन होती है, जिसके सिक्रेशन आता है नोज ब्लीडिंग, सॉरी नोज के द्वारा जो सिक्रेशन आता है उसके अंदर क्या है, बदबू आएगी, पुरुलेंट वर्ड यूज होगा। वासो मोटर जिसके अंदर द परमेबिलिटी एंड टोन ऑफ द ब्लड वेसल्स, और जिसकी वजह से क्या होगा, राइनाइटिस कंडीशन देखने को मिलता है। उसके बाद में एट्रोफी राइनाइटिस जिसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी एट्रोफी हो जाती है, उसकी जो संख्या है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, वो कम हो जाती है, मेम्ब्रेन की जो सिकुड़ जाती है जिसकी वजह से राइनाइटिस होता है। और दूसरा है राइनाइटिस मेडिकोमेंटोसा जिसके अंदर ओवर प्रोडक्शन, ओवर यूज ऑफ द प्रोडक्ट जो नेजल को क्या करते हैं, ब्लॉकेज करने का काम करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा एक्यूट राइनाइटिस के बारे में, एक्यूट और एलर्जी, एक तो एक्यूट राइनाइटिस होता है जो हाथों हाथ होता है, सर्दी खांसी जुकाम जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ में एक इंपॉर्टेंट है जो एलर्जिक राइनाइटिस उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग डालिएगा एक्यूट राइनाइटिस, नाक में बर्निंग, नाक में जलन हो रहा है, या टिंकलिंग स्वेदनों और स्नीजिंग के साथ साथ इसकी शुरुआत अचानक होती है, इसमें कोरिजा कॉमन कोल्ड भी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कोरिजा या कॉमन कोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिएगा एक्यूट राइनाइटिस वह कंडीशन जिसके अंतर्गत नाक के अंदर क्या आएगा, नाक में जलन होगी, नाक के अंदर एक टिंकलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा कि नाक के अंदर कुछ आ रहा जा रहा है, नाक के अंदर सूजन स्वेलिंग सॉरी स्नीजिंग होगा, खांसी आएगी, सीके आएगी, ठीक है, और ये उसके साथ में स्टार्ट होता है। जैसे कई पर्सन आपने देखा होगा इस प्रकार से खांसी जुकाम ऐसे करते रहते हैं, नाक ब्लॉक हो जाता है, नाक के अंदर जलन होता है ना, सीके बार बार आती रहती है, तो इस प्रकार की कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं एक्यूट राइनाइटिस। बच्चों आपको एक्यूट राइनाइटिस के अंदर इतना ध्यान रखना है कि नोज के अंदर जलन होगा, नोज के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन आएगा, है ना, कहीं सूख रहा है, कर रहा है या चल फिर रहा है ऐसा सेंसेशन देखने को मिलेगा, और सीके आएगी, ठीक है, ये अचानक स्टार्ट होती है, हाथों हाथ स्टार्ट होती है और एक पीक लेवल पे पहुंच जाती है, ठीक है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसको एक्यूट राइनाइटिस को कॉमन कोल्ड के रूप से जाना जाता है। जैसे ही कॉमन कोल्ड होगा तो आपको मालूम होगा कि सामान्य सर्दी खांसी जुकाम ये होते रहते हैं। दूसरा है उसको कॉमन कोल्ड या कोरिजा के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा क्या क्या कारण हो सकते हैं, वायरस या बैक्टीरिया हो सकते हैं, जैसे कोरोना वायरस, एंटेरोवायरस, एडेनोवायरस, रेस्पिरेटरी सिनसाइटियल वायरस, है ना, रेस्पिरेटरी सिनसाइटियल वायरस होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। अब क्लिनिकल सिम्टम के अंदर जो राइनाइटिस है इस कंडीशन के अंदर जो नोज से रिलेटेड जितने भी सिम्टम है वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि नाक से अत्यधिक मात्रा में वॉटरली डिस्चार्ज का आना, नाक से पानी बहेगा, स्नीजिंग होगा, सीके आएगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, टिंकलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर सूजन स्वेलिंग देखने को मिलेगा, नाक ब्लॉकेज होने की संभावना रहेगी, आंखों से आंसू देखने को मिलेगा, रेस्टलेस देखने को मिलेगी, और गले के अंदर खराश होती है जिसको बोलते हैं सोर थ्रोट।
ये कंडीशन देखने को मिलेगी। सोर थ्रोट का मतलब आप जानते हैं कि जब खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, थूक निकलते हैं, उस कंडीशन के अंदर बर्निंग सेंसेशन होगा गले के अंदर, जिसको बोलते हैं सोर थ्रोट। ठीक है, तो ये सिम्टम बच्चों राइनाइटिस के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कॉमन होते हैं, जो आप जानते हैं। अब आप राइनाइटिस जैसे ही वर्ड आता है, एक्यूट राइनाइटिस जैसे ही वर्ड आता है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि कॉमन कोल्ड और सामान्य जो सर्दी जुकाम लगती है उसके अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है यदि कॉमन कोल्ड को ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर साइनसाइटिस हो सकता है, इंफ्लामेशन ऑफ द साइनस, इंफ्लामेशन ऑफ द साइनस ऑफ नोज, नोज के अंदर जो साइनस होते हैं, एयर स्पेस होते हैं, जिसका जहां पे म्यूकस का सिक्रेशन होता है और नाक तक पहुंचाने का कार्य करता है, और उसके अंदर क्या हो जाएगा, इंफ्लामेशन हो जाएगा। तो इंफ्लामेशन ऑफ द साइनस ऑफ द नोज, ठीक है, उसके अंदर इंफ्लामेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं पैरानेजल साइनस के अंदर इंफ्लामेशन आ जाना। दूसरा है इन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन हो जाएगा। ओटाइटिस मीडिया, मिडिल ईयर का जो इंफ्लामेशन है, यूस्टेशियन ट्यूब के ब्लॉक हो जाने के कारण यदि ओटाइटिस मीडिया है, तो उस कंडीशन में यूस्टेशियन ट्यूब है वो ब्लॉकेज हो सकती है, और यूस्टेशियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाएगी तो डीपनेस होने की संभावना रहती है, ब्लॉक बहरापन होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट। कॉमन कोल्ड के लिए अधिकांश मामले में माइल्ड होते हैं और 5 से 7 दिन की अवधि में बिना ट्रीटमेंट के ही अपने आप ठीक हो जाता है। सर्दी खांसी जुकाम है, वायरल इंफेक्शन है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रोगी को निम्न सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो सिम्टम देखने को मिलता है उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे नाक से ज्यादा सिक्रेशन आ रहा है तो नेजल डीकंजेस्टेंट देंगे, ये दवाइयां म्यूकस नेजल म्यूकोसा की रक्त कोशिकाओं जो ब्लड कैसिली है उसको क्या कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, संकुचन करेगी, संकुचित उत्पन्न कर फ्लूइड सिक्रेशन को कम कर नेजल कंजेक्शन को कम करती है ना, नेजल कंजेक्शन है जो नाक का ब्लॉकेज है उसको कम करने का काम करेगी। दूसरे अंदर ये पे कुछ दवाइयां दी गई है, ठीक है, सुडोइफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड, दूसरा है फिनाइल इफिड्रेपिन हाइड्रोक्लोराइड, उसके बाद में हाइड्रोक्लोराइड्स ऑक्सीमेटाजोलिन। तो ये कुछ है दवाइयां हैं बच्चों, इसको एक बार देख लेना। एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स जो बुखार की दवाई है, सलाइन नेजल स्प्रे किया जाता है, उसके बाद में एनाल्जेसिक ड्रग्स दर्द को कम करने के लिए, एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरियल इंफेक्शन है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक ट्रीटमेंट है वो किया जाता है, जो कॉमन होता है सब में किया जाता है। तो कुछ एंटीबायोटिक्स, नेजल डीकंजेस्टेंट्स, नेजल स्प्रे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जिसके अंदर एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स, एनाल्जेसिक ड्रग्स, ये सारे सारे दिए जाते हैं। ये एक्यूट रेनेटिस की कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से दूसरा जो कंडीशन है एलर्जिक रेनेटिस, जिसमें एलर्जन के द्वारा कई ऐसे एलर्जन जो बॉडी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार का रेनेटिस किसी एलर्जन विशेष के प्रति संवेदनशील के कारण होता है। यह समस्या अधिकांश मौसमी सीजनल डिसऑर्डर के रूप में पाई जाती है। एलर्जन विशेष के प्रति सेंसिटिविटी के कारण होती है। ये एलर्जन निम्न प्रकार से हो सकते हैं, कई ऐसे एलर्जन जैसे परागकण होते हैं, कोई विशेष वृक्ष है या घास है, परागकण है, मोल्ड है, कॉन्क्रेस है, मौसम में अचानक परिवर्तन होता, जिसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इस एनवायरमेंट के अंदर इस सबस्टेंस के द्वारा क्या होता है, संवेदनशील हो जाती है, ठीक है ना, और जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, एलर्जी कंडीशन देखने को मिलती है, नोज रनिंग देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसे एलर्जेंस होते हैं जिसकी वजह से भी क्या होता है, राइनाइटिस कंडीशन हो सकती है। तो एलर्जी के द्वारा होने वाली राइनाइटिस होती है,
जिसको बोलते हैं एलर्जन राइनाइटिस। ठीक है, एलर्जन के अंदर ये इतने प्रकार के एलर्जन होते हैं और भी होते हैं, जिसमें वृक्ष है, घास है, परागकण है, मोल्ड है, कांक्रोच है या मौसम है। अब नेक्स्ट बात करते हैं साइन सिम्टम की। तो साइन सिम्टम तो सेम ही रहेगा, कॉमन रहेगा। जैसे देखो रनिंग नोज, नाक का बहना, स्नीजिंग है, नेजल कंजेक्शन है। कंजेक्शन का मतलब होता है क्लोज होना, ब्लॉकेज होना, बंद होना, नाक का बंद होना, हेडेक होना है, थकान है, रेस्टलेसनेस है, आंखों में इरिटेशन और आंसू आना है, आंखों में सूजन आ जाना है, गले में खराश। तो ये सेम उसके सिम्टम भी देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं डायग्नोसिस के अंदर। एलर्जन विशेष का पता करवाने के लिए एलर्जी टेस्ट करवाया जाना चाहिए, ब्लड सेल काउंट देखते हैं। तो इस प्रकार से एलर्जन टेस्ट करवाएंगे कि किसके हो रहा है, कौन से सबस्टेंस से हो रहा है, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरा मेडिकल मैनेजमेंट, जिसके अंदर नेजल डीकंजेस्टेंट, एंटीहिस्टामिन, ये दवाई दी जाती है। ये इनके दवाइयों के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। नर्सिंग मैनेजमेंट, एक नर्स के द्वारा क्या किया जाएगा, सामान्य कोल्ड, कॉमन कोल्ड से ग्रसित रोगी को ट्रीटमेंट ओपीडी के रूप में किया जाता है तथा इसे हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाता है। सर्दी खांसी जुकाम है तो क्या करेंगे, उसको तो तुरंत हॉस्पिटल से दवाई दी और उसको भेज देंगे घर पे। डॉक्टर के आदेशानुसार सभी दवाइयां सही समय पर सही डोज में देने की सलाह देते हैं। डिहाइड्रेशन की रोकथाम के लिए पर्याप्त मात्रा में फ्रूट देना है। नेजल ड्रॉप दी जाती है, उसे डालने के लिए उपयुक्त विधि के बारे में बताया जाता है। नेजल ड्रॉप की उपयुक्त प्रभाव के लिए इसे नाक को साफ करने के बाद आफ्टर नेजल ब्लोविंग ही डाल दिया जाना है। रोगी को उपयोग में लिए जाने वाले रूमाल है, तौलिया है, उनको अलग रखना है। एलर्जिक राइनाइटिस से ग्रसित है तो ऐसी स्थिति में रोगी को एलर्जन टेस्ट करवाना, संबंधी एलर्जन से दूर रहने की सलाह दी जाती है। नेजल डीकंजेस्टेंट का अनावश्यक ही या आवश्यकता से अधिक यूज में उपयोग नुकसानदायक होता है, अतः रोगी को इसे इसके बारे में बताना है। तो ये बेसिक है नेजल डीकंजेस्टेंट का यूज करना। कई ऐसे एलर्जी कंडीशन है तो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देते हैं, ठीक है ना। दूसरा एलर्जी कंडीशन है तो एलर्जी को किस कंडीशन में हो रही है उसका टेस्ट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और उस एलर्जन से दूर रहने की सलाह दी जाती है। मोस्टली डिहाइड्रेशन हो जाता है तो प्रॉपर रूप से पानी पीने के लिए बोलते हैं, साइकोलॉजी सपोर्ट देते हैं। जो यूज किए हुए जैसे रूमाल है, तौलिया है, ये सब है तो रुमाल है, इसको क्या करना है, उसको सेपरेट रखना है, अलग रखना है, दूसरा कॉमन में यूज नहीं करना है। तो ये कंडीशन मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था राइनाइटिस, जिसके अंदर अपने बेसिक इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन, उसके टाइप्स के बारे में किए, और एक्यूट राइनाइटिस और जो एलर्जिक राइनाइटिस क्या होती है उसके बारे में बात किए, ठीक है। तो ये भी छोटा सा टॉपिक था, आज इतना ही, धन्यवाद।